मेरा अचार बनाई। हाँ मैंने ससुरालियों को अचार बना बना के खिला देना, हाथ लगा दे जरा और टेस्टी मेरा अचार हो जाए। ओ माय गॉड, टोका का कुत्ता नहीं का। मम्मा यहाँ पे टुनखुने लग रहे हैं। मैंने कह के भेजा तू केली ने काटे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हिरा फैसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों की सौगात मैंगो आ चुकी है, तो जैसे ही मैंगो आता है उससे पहले कच्चा आम आता है। जब ज़्यादा मैंगो आता है तो ज़्यादा कच्चा आम आता है, तो जैसे ही हमारे घर में ज़्यादा कच्चा आम आया तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यार इस दफ़ा गर्मियों में हम क्यों ना घर में अचार बनाएं, क्योंकि हम हर साल घर में होममेड अचार बनाते हैं। तो आज भी हम बनाने लगे हैं होममेड अचार, सो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, स्टे ट्यून्ड। ओके, सो ये है हमारे घर में जो कच्चे आम है, हमने इनको अभी भिगो के रखा हुआ है। इसको हम कैरी कह सकते हैं, मैं तो इसको कहती हूँ अम्बी। छोटी सी एक आम होता है, एक अम्बी होती है, अम्बी। सो हम इसको कच्चा आम भी कहते हैं, कैरी भी कहते हैं। इसको हम सबसे पहले धोएंगे, इसके पीसेस कट करेंगे और इसको नमक लगाएंगे, तो वो वाली चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ। आज हीरा ने अचार बनाना है। आज हीरा ने नहीं, हर साल आप अचार बनाती हैं। आज हीरा बनाएगी, इसे भी सीखना चाहिए, कल को काम आएगा। हाँ मैंने ससुरालियों को अचार बना बना के खिला देना, ये लीजिए अचार खाए। ये ऐसी रेसिपी है कि बच्चों को आनी चाहिए। जी नहीं, आराम से बाजार से अचार लेके आए, घर खाए। ऐसी है कि जो बड़ों को आती है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी हीरा को भी ये जरूर आए। मैं सिर्फ एक रेसिपी सीखना चाहती हूँ और वो है अम्मा के हाथ की खीर। ये वाली चीजें तो हम बाजार से भी लेके आ सकते हैं, घर का अचार कोई साथ वाला भी डाले ना तो आपको दे देता है। सबसे पहले कच्चे मैंगो को धोते हैं जी। अभी मैंगो अच्छी तरह आए नहीं, हम पहले ये चार बना रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले आ जाते हैं। इस दरख्त पे हम जाते हैं ना जो मैंगो का है। हाँ। तोड़ के वहाँ से स्पेशल अचारी आम आए हैं, ये सिर्फ अचार के लिए यूज होते हैं। तो मम्मा आज आपने अपनी सारी रेसिपी शेयर करनी है, कौन सी कलवंजी, कौन से वो मेथरे, क्या क्या डालना है। धोना है, ऐसे धो के रख देना, फिर काटने हिराने हैं, साफ हिराने करने हैं, नमक हिरा लगेगा, हिरा कसाई आएगा मैंगो को टुकने। मैंगो को जिबा करने। हिरा हाथ लगा दे जरा और टेस्टी मेरा अचार हो जाए। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इतनी तारीफ है। मैं बाहर सेट लगा रही हूँ, आ जाए। अचार बनाने के लिए भी बाहर सेट लगाना पड़ता है। ठीक है, मैं बाहर एक कपड़ा बिछाना है, कटिंग बोर्ड रखना है और उसके साथ टोका। टोका टोका नहीं, कटर। और हमारे इसमें हेल्प करेगी आपी भी। तुम भी आपी टोकने में टोका है जी, टोकेगी। ये हमारे घर का कसाई नंबर टू है, लेकिन सबसे अच्छा कसाई मैं हूँ। हमारे घर में चार मैंगो है, मतलब चार अम्बी है, पांच नहीं, मैं टोका, तुम अम्बी, फातिमा अम्बी, राबिया अम्बी, ज़ैनब अम्बी। अच्छा, चार अम्बियों को टोकने का काम इसने किया था। तक टोके को कोई मुंह नहीं लगा, लेकिन टोका सबकी का। क्या लाछुरी से हो जाती है, बड़ा अच्छा। नहीं तुम्हें पता है आजकल जदीद मशीन आई हुई है, उसके अंदर एक ब्लेड लगी हुई है। टोका इज डिफरेंट, टोका कहते हैं, ब्लेड का मतलब होता है। उसे कह रही है मैं टोका हूँ, मैं हम सबको काटती हूँ अपने मुंह से, मैंने कुछ नहीं कहा। देख गाइस, मैंने टोका कहा, कुत्ता नहीं कहा। तो टोका एक बुरी चीज है बेटा, नहीं कहा मैं। तुमने कहा चार अम्बिया, मैं अकेली टोका, मतलब मैं तुम लोगों को अभी काटूंगी चार के लिए, बेवकूफ पागल। मैं इसको धोऊंगी, वैसे इट इज वेरी बैड थिंग अपनी बड़ी बहन को कहने के लिए। मम्मा यहाँ पे टुनखुने लग रहे हैं, टुनखुने। टोका आप ही टोका, सबने कमेंट में कह रहे इकरा टोका, हीरा प्यारी, खट्टी अम्मी। रियल वाला जो काम इन्होंने दिखाना है ना व्लॉग में, वो इनसे करवाना है। ये आज अचार हीरा ही बनाएगी, काटेगी भी सारे से। मम्मा हम इधर टोका अम्मी पे लड़ रहे हैं, आप अचार। हीरा अचार बनाएगी, हीरा अचार बनाएगी, बनाएगी भी और व्लॉग भी बनाएगी। ठीक है, उठ के चार बना, हीरा से आपे में पड़ गई कि क्या चार बना। नहीं तो मैंने अम्बिया बेच देनी। मम्मा ने मुझे रिश्वत लगाई है, अगर तूने चार ना बनाया तो मैं अम्बिया साथ वालों को दे दूंगी। पसंद है ज्यादा अचार, मुझे अम्बिया पसंद है, अचार नहीं इतना पसंद है मुझे। सबसे पता मजे का क्या लगता है, जब काट रहे होते हैं ना, जब उस पर हल्दी नमक लगता है तो छुप छुप के खाने का मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो जो हमारा अचार का सेट है ना, वो इस टाइम लग चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने ये छुरियाँ वगैरह तेज करके रख ली है, यहाँ पे हमारे जो कच्चे मैंगो है वो पड़े हुए, अब हम बैठ के इसको कटिंग करेंगे।
नमक चमक लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसकी क्या उतारनी है मैं आपको बताती हूँ, मुझे अम्मा ने स्पेशल कह के भेजा है। सबसे पहले जो इसके ऊपर ये होती है ना, इसको पता नहीं क्या डूंगी कहते हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो। सबसे पहले हमने सारे मैंगो की वो उतारनी है, सो पहले हम वो उतारते हैं। सो काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने इतने काट लिए हैं, ये रहते हैं और अभी ये रहते हैं। ये सारे किसने काटने हैं? मैंने। अभी हमने इसको इतने बड़े उससे टुक लगाना, टक 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 टक। अभी मैं ज़्यादा दिखा नहीं रही हूँ, खतरनाक चीज़ है ना, तो वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखानी मुझे अभी लग ना जाए। ओके गाइस, तो हमने अभी काफ़ी सारे मैंगो जो हैं वो छील लिए हैं अभी, लेकिन हम इसमें से थोड़ा सा खट्टा भी ट्राई कर लेते हैं। मम्मा आ जाए ना, मम्मी आ जाए, मुझे बता दें खट्टा टेस्ट करते हैं। और मुझे लगता है, हाँ जी मम्मा आ जाए, थोड़े से रह गए, आप ही हेल्प करा दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तुमने क्या किया मम्मा, इसने टोका किया। अच्छा, छिलका कौन है? टिंडे काट रही है। जैसी आ रही तेरी शक्ल देख के, छिलका कौन है मैंगो को? तूने तो बना लिया अचार। मैंने सिर्फ ये उतारने को कहा था, काटने थे, मैंने कह के भेजा। तो ये किस लिए लेके आई? ये छीलते तो मुरब्बे के लिए है, अचार के लिए थोड़ी छीलते हैं। अब इनका मुरब्बा बनेगा मम्मा। अच्छा, वो दिल करता है कि आज मैं थप्पड़ लगाऊं। क्या कह रही हैं? तो ये ऐसे भी डल जाएंगे। इसको ना ऐसे करके ऐसे करूं आज मैं। मैंने आपके सगे मम्मा, फिर आप ऐसे चाय बना रही हूं। मैंने कब इसकी सारी उतारो, मैं आके बताती हूं। मैंने उतारने को ये कहा, इसने सारे पकड़ के छील दिए। शुक्र करें मैंने सारे नहीं छील दिए, फिर आप अचार बना लेती और मैं व्लॉग बना लेती। फिर वो रब्या वाला हाल होना था। नहीं, इनका मम्मा मेरे यहाँ से पता चल रहा है कि रब्या की बहन है। यार अभी ये वो खट्टा बड़ा हो देगा सच में। ध्यान खाने पे, अब इनको रखो साइड पे, इनको क्या करना है? तो ये जाए हैं? जाया नहीं है, इतनी मेहनत की है उन पे। इधर करो आगे, मैंने चार बनाना था। इधर दो आगे, अब करो तो गुस्सा चढ़ा रही हूँ। इनको काटना है ऐसे, इतनी गर्मी में। अब इनको एक एक ये पंखा चला दो, इतना पंखा चलाओ। ये देखो अब क्या करना है गाइस, ऐसे तो कब आया हूँ ये तो टूट ही नहीं रहा। छोड़े जान लगाए, ध्यान से टोका छोड़ ऐसे नहीं, इसको दबा। अच्छा, मेरी ट्रिक्स मेरे पे ही, बड़ी चलाक है मम्मी। अंदर से पीछे हो जा, पीछे। ओए ला मम्मा, ये ना पापा करेंगे हमसे, नहीं पीछे दबा, पता लग रहा है मम्मा। बस इसको चार चार में काटने ला दे, खराब मैंगो वो भी काट लेंगे, ज्यादा मुश्किल ये है ना। बिस्मिल्लाह, ये देखें एक ही कीड़ा ऐसे नहीं मम्मा, ठीक है नहीं ना, इस मैंगो ना ये देखो ऐसे दरमियान में करके ना, इसको ऐसे करके पहले इसको ऐसे इसमें करना है ऐसे। अब देखो इसको पहले ऐसे करो अंदर, एक ही दफा जोर लगाना। मेरा में जोर नहीं है, मेरे में है रुको। क्या है सारा मेरा जोर लगा था, तो आप कहती है मेरा। जो हमारे घूमे हुए मैंगो थे ना, हम वो पकड़ने आए, उन्होंने अपने घूमे हुए मैंगो पकड़े। राजू यार, इसके लिए परात चाहिए, बड़ी से बड़ा सा बाउल चाहिए। वन टू सही नहीं करा दी। चलो वैसे करो सारे, अचार डलवाना है आपकी खिदमत में। हीरा हाजिर है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे, मुझे डीएम करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते नाना ले तुम लोगों के घर में। और ये मेरी मैनेजर है, ये मुझे डील कर रही है। मैं आपको इसका बता देती हूँ रेट वगैरह, आपको ये बताएगी। 2.5 लाख रुपया एक टांग काटने का। हीरा इधर दो, ये देखो, ये तुमने इसको कसना है पहले इधर से, क्योंकि उसकी ब्रेन है। बहन नाड़ी, बहन का उस्ताद भी है नाड़ी। ये देखो 1 2 3 ठीक है, इसको पहले कसना है। जिंदगी का मजा खट्टे में, किसी ने कहा था और सही कहा था, तुझसे भी ना हो पाएगा, हो जाएगा। हीरा ध्यान से, मुझे तो डर लग रहा है, उंगली ना मेरा जोर लगा हुआ सारा वो सकता है। चलो गुटली के अंदर का माल यार, वो परात चाहिए बड़ी सी, जिसके अंदर ये काट काट के डाल दिया। नहीं काम चल रहा है वैसे, और मम्मा को देख रहे सारा चार मेरे जिम्मे, पहले डांटा है मुझे और सारा चार मेरे जिम्मे डाली चली गई। ओके, सो हमने ये कुछ शाहकार जो है ये काट लिया, और इसको हम इसमें डालेंगे ताकि हमारी जो छोटी छोटी अम्बी के बाइट्स हैं वो सही हो जाए। पहले मैंने डांट खा लिया अम्मा से, कितने सारे मैंने अकेली ने काटे हैं, मैंने अकेली ने चोट भी लगवाई है मैंने, देख लें। ये देखे चोट लगी है, ये देखो नज़र आ रही है ना आपको। पता नहीं क्या करना पड़ता है अचार बनाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। सब चले गया मुझे अकेला छोड़ के, मेरे हाथ अब दर्द करना शुरू हो गया, और मैंने इतनी ज़्यादा काट ली है, इतनी ज़्यादा, कोई
हेल्प नहीं करा, इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ हैं कि क्या बताऊँ। गुस्सा आ रहा है मुझे, हाथ मुझे लग रहा है मेरा इस हाथ से और कोई काम नहीं होना। अगर आपको कुछ भी अपना इस तरह का काम कराना है, किसी का कत्ल कराना है, मजाक कर रहा हूँ ठीक है। तो अब मैं एक यार, एक तो भागी जा रहे हैं इधर, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, वो अपना अपना आप कटवाना नहीं चाह रहे, बदतमीज, इधर आओ वापस। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मेस क्रिएट हो गया है, और मामा ने इतना गंद डाला है, लेकिन अच्छा काम कर रही है हीरा, ये देखो मामा मेरा हाथ रह गया है, मेरा हाथ ऐसे से सनी डॉल का डॉला नहीं होता एक साइड। आप मेरे नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकती, आप कहाँ जा रही है, ये कौन करेगा सारा मेरे साथ, मुझे तो पता ही नहीं करना गया, मैंने तो उसके छिलके भी उतार दिए थे, वो मैं कर लूंगी आगे, बस मेरे आने तक ये कटे हो ठीक है, पक्की बात है, पक्की। ये मेरी है प्यारी बेटी, सारे मेरे काम करती है, कीटी पीटी ठीक है, मस्का लग रहा है, देखूंगी फिर हीरा को ज्यादा प्यार करूंगी, बस ठीक है जल्दी आना है आपने, बाय। तो अब हमें सब करना पड़ेगा, अब सारा कुछ हम पहले काट कूट के फिर आपको फाइनल शॉट दिखाते हैं। ओके गाइस, तो अब हमने काफी ज्यादा मेहनत करके ना इसको काट लिया है, काफी ज्यादा गंद भी मच गया है, और हमने इसको ना अब हम इसको रखने जा रहे हैं किचन में, अब जैसे ही मामा आएंगे फिर हम इसको नमक लगाएंगे, मसाला लगाएंगे, एक दो दिन का प्रोसेस है तो वो सारी चीजें आपको इकट्ठी करके दिखाऊंगी, सो लेट्स गो। इन्होंने बहुत अच्छे देखे सारी हीरा की मेहनत का, सारी मेरी मेहनत का नतीजा है, वरना मेरी अम्मा ने मुझे अकेले छोड़ के जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हीरा ये क्या है यार, ये मैंने निकाले थे और शायद रह गए आधे अंदर ही रह गए थे, ये काले काले हो गए ना, अब हम इसमें ना मसाला लगाने लगे, निकाल ये निकालना रह गया। इसमें हम सबसे पहले क्या ऐड करें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी की बहुत ज्यादा, देख ले गाइस काफी ज्यादा हल्दी, और ये चटपटा मेरे मुंह में फौरन ही आना शुरू हो गया पानी, ओ माय गॉड। अच्छा नमक ऐड हो गया, इसको रात रखना है, पूरी रात इसको नमक लगा के रखना है ठीक है, सिर्फ नमक और हल्दी ठीक है, अब हम इसको नमक लगाएंगे हल्दी लगाएंगे और इसको सुबह आपको दिखाएंगे, हम आपको सुबह दिखाएंगे ऐसे इस तरह से बनता है घर का अचार, और इसी तरह से अचार में आता है टेस्ट, मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि अब हम इसके साथ आगे क्या करने वाले हैं। ओके गाइस, तो पूरे कितने दिन के बाद मामा, एक दिन के दो दिन हैं, पूरे दो दिन के बाद जो हमारे अचार का पानी है वो खुश्क हो चुका है, ये अब क्या हो चुका है, इसका पानी खुश्क हो चुका है, और यहाँ पे जो मामा ने है ना स्पाइसेस मिक्स किए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन कौन से स्पाइसेस हैं, ये शायद कलवंजी, पता नहीं कलवंजी डाली है और पता नहीं क्या क्या है, इसको क्या कहते हैं, शायद मखाना है, पता नहीं क्या है, कुछ इस तरह का स्टफ़ मम्मा ने डाला है, लंबी मिर्च डाली है, फिर छोटी गोल मिर्च डाली है, यहाँ पे हरी मिर्च पड़ी है, अब हम इसके ऊपर ये सारे स्पाइसेस मिक्स करके इसके ऊपर लगाएंगे, अम्मा आ जाए, आ जाए रेडी है, आ जाए, नमक रह गया, हल्दी रह गई, हमारा नमक रह, अच्छा इसमें, अच्छा इस पहले इस पर लगाया तो था कि और लगाना है, अब इसमें भी डालना है दो चम्मच, अच्छा सब कुछ दो दो चम्मच, क्वांटिटी के लिहाज से हमने हर चीज़ दो दो नमक दो दो चम्मच डाली है, मुझे अभी भी नहीं डाली, हमने अब उसमें डाल रहे हैं हल्दी, हल्दी पाउडर, ऐसे मिक्स करना है आपने शो 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 करके, हम इस पर लगाएंगे मसाला लगा के इसे छोड़ देंगे, अब इस पर ऑयल कब लगाना है, अभी अभी ऑयल डाल दें, इसमें डालना है ऑयल, इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, नाइस कितना मज़ा आ रहा है चीज़ें देख के, अच्छा इसी में ऑयल डालते हैं पहले, मुझे लगता था इसमें पकाते हैं पहले फिर डालते हैं, मिर्च भी दस साबर डाली है, खट्टी होगी बड़ी मज़े की बन जाती है ये वाली, ये अच्छा छोटी मिर्च, इसको शायद कहते हैं देगी मिर्च, आई डोंट नो, अब देखो अभी इसको ऐसे डाल अंदर जाएगा, और ये जो ऑयल है ये मस्टर्ड ऑयल होता है सबको पता है, इसको लगा के अब एक दिन ये ऐसे पड़ा रहे, इसको फिर इसमें ज्यादा ऑयल डालना है ना, इसमें ज्यादा ऑयल नहीं डाला अभी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, तो भाई जिस जिसने घर पे रेसिपी बनानी है ना अचार की, तो वो ये चीजें नोट डाउन कर ले, अच्छा आपने इसमें मसाले कौन से डाले हैं, ये कलवंजी है, मेथी दाना डाला है, मेथी दाना, जीरा, कलवंजी, और जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं अचार के वो डाले हैं, कुछ लोग तो इसमें चीनी भी डालते हैं ज़्यादा गलाने के लिए, लेकिन हम नहीं यूज़ करते, अब हम इसको ऐसे हिलाना है, मेरी अम्मी का नानी अचार तैयार हो गया, नानी अचार, ये आपने कहाँ से सीखा था पहले, तेरे बच्चे हुए नहीं नानी पहली बन गई, अरे मतलब मेरी नानी का अचार यार मेरी नानी की रेसिपी, आपकी अम्मी,
आके चेक कर लो। मुझे बड़ा मजा आता है चार। एक चेक करके देखो कैसा है, बहुत मजे की। खाली बैठा हुई खुशबू सरसों के तेल की कैसी मजे की आ रही है। एक और चीज मैं बना रही हूँ, जिससे एक्स्ट्रा मैंगो बचे के थे ना, उसका मैंने ये देख लिया क्या हमने। क्या कुछ और भी बनाया? छोड़ दो, खा लो लेना। नहीं खा, उसका मैंने ये देखो मुरब्बा बनाया। ओ नाइस, ये तो एक और किस्म का आप मुरब्बा बना रही है। याद है आपने लास्ट टाइम एक और बनाया था? मैंने चीनी वाला बनाया था, ये मैंने शक्कर वाला गुड़ वाला बनाया है। ये मैं इसमें ना थोड़ा शीरा शीरा रहने देना। हाँ, ये शीरा रहेगा। ये पता है क्या, ये मेरी गलती सुधर रही है। जो मैंने वो जो चीनी दिए थे, इसलिए जो छीले थे उसका फिर मैंने कहा ज्यादा जरूर करने। इसका मैं टेस्ट करूँ थोड़ा सा, मुझे इसका। ये मिर्ची क्यों आ रही है? पिछली दफा मैंने टेस्ट उंगली से किया था तो मैंने गलती की थी। ये देखना सर, आप भी ऐसे खा रही, गला खराब हो जाएगा। बर्दाश्त नहीं होगा। चेक कराओ मुझे भी थोड़ा सा, टूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि कच्चा है। कुछ कहना, हब्जी पसी हुई कैसे खाते हैं तुमने? हीरा बदतमीज। क्या हड्डी नहीं है, गुठली है उसकी। अच्छा। तो वो ऐसी रहेगी, वो सही कर रही है। ऐसा लग रहा है सर का तेल खा रहे हैं अभी। सर का तेल अभी शायद उसमें वो वाली स्मेल नहीं ना कहीं मसालों की, टिंड का तेल। ओके गाइस, तो फाइनली काफ़ी दिन बाद मैंने मामा के पीछे पढ़ पढ़ के कहा कि इसमें ऑयल डाल दो। मुझे अपनी वीडियो भी ख़त्म करनी है। आपने अपना अचार ख़त्म करना है या नहीं करना? लेकिन फाइनली मेरी अम्मा ने ना अचार जो है वो बना लिया है, उसमें ऑयल डाले। मामा ऑयल नज़र तो नहीं? मैंने थोड़ा डाला। क्यों? ज़्यादा ऑयल में ना डिप हो जाते हैं फिर। ऐसे ही हिलाते हैं अचार को। अचार मजे का लगता है। इससे ऐसे तो खराब नहीं हो जाएगा? उसे तीसरे दिन हिला देना तो नहीं खराब होता। अच्छा, तो बस हिलाते ही रहे अपना अचार आप लोग ऐसे ही। इतना सा तेल डाला, इतनी कोई मजे की खुशबू आ रही है ना इस अचार की। ये वाला अचार पराठे के साथ एक आप स्लाइस लो और खाओ, इट्स अमेजिंग विद चाय। जमीन तेल की बचत की है इस दफा। क्यों? ये जो पुराने लोग बिजली की बचत करते हैं, तेल की बचत कर ले। पुराने अचार का तेल था ना, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, ये पुराना वाला अचार था हमारा। ये देखो सारा। अच्छा, एक नई बात पता चली, आप पुराने अचार का तेल भी यूज कर सकते हो। हाँ, खराब नहीं होता ना, आप वो भी यूज कर सकते हो। और ये अचार देखे किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, किसी किसी का खाने का दिल कर रहा है। अभी से कमेंट में बता दे कि भाई हम सबका दिल कर रहा है खाने का, क्योंकि मेरा अभी से ही खाने का दिल कर रहा है विद अ पराठा। ठीक है, हाँ जी, अब इसको इसमें डालते हैं। तेल हो गया, मेरी मामा को देखना जरा अचार खाते खाते। सो बाय।